आई एम बैक अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी, रूटा। ओके, सो रूटा बेसिकली अगर हम रडार की नोट्स की पहली लाइन देखें तो उसमें ये लिखा है इनफ्लेक्सिबिलिटी एट मेंटल, इमोशनल एज वेल एज एट फिजिकल लेवल। तो रूटा को हम, रूटा की पूरी जर्नी के अंदर इसी वजह से प्रॉब्लम होती है ना, इमोशनली वो स्टिफ होता है। सो कहाँ कहाँ, मतलब रूब्रिक्स में भी रूटा कहाँ स्टिफनेस है आपको पता चलेगा अभी, और इसी वजह से बीमार होता है। तो फिजिकल सिम्टम्स जो है, जो भी हम पहले, जब हम जो भी लोग फिजिकल पर प्रैक्टिस करते हैं, करते थे, ठीक है, सो हमें ये फिजिकल रूब्रिक्स को माइंड लेवल से कनेक्ट करना है और ये रेमेडी हमें समझनी है, ठीक है। सो ये कभी भी रडार की नोट्स पढ़ना चाहिए, उसमें बेसिक जो होता है पूरा रेमेडी का जो थीम होता है वो पूरा लिखा हुआ होता है, उससे हम आप रेमेडी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो रडार की नोट में अवेलेबल होती है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे रडार की नोट्स की, अगेन मैं कहूँगा, तो वो है स्टिफनेस इनफ्लेक्सिबिलिटी है मेंटल इमोशनल लेवल एंड फिजिकल लेवल, है ना। तो अगर रूब्रिक्स फॉर्म में देखेंगे कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, स्टिफनेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी रूटा को कहाँ कहाँ है, ओके, ये देखेंगे। एक्शन कहाँ है रूटा का, और जैसे कि एक्शन है आई पे, यूट्रस पे, और लिगामेंट्स, जॉइंट्स, पेरियोस्टियम, इस सब चीज़ों पर। स्टिफनेस कहाँ आता है बेसिकली, अगर माइंड में आया तो जॉइंट्स में स्टिफनेस आता है, लिगामेंट्स में स्टिफनेस आता है, अगर हम उसका ओवर यूज कर दें तो भी स्टिफनेस आता है, अगर यूज ना करें तो भी स्टिफनेस आता है, बराबर है। तो रूटा कहाँ ओवर यूज कर रहा है और कहाँ अंडर यूज कर रहा है, और माइंड लेवल की वजह से फिजिकल पे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई से कनेक्ट करें, आई इंडिकेट क्या करता है, आई इंडिकेट करता है विजन, फ्यूचर। तो वैसा ही हम रूटा में देखेंगे कि बहुत सारे रूब्रिक्स फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे कि एब्जॉर्ब फ्यूचर अबाउट, डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। मतलब क्या कि रूटा को फ्यूचर की बहुत चिंता है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, फ्यूचर में ज्यादा जीता है, क्यों, व्हाई, है ना। तो ये फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक व्यू के वजह से इसको आय में स्ट्रेन होता है। वैसे ही यूट्रस, अगेन यूट्रस इज अ साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी अगर फेल हो रही है या कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन यूट्रस पे प्रॉब्लम है। इसीलिए हम रूटा में मेटोमेनोरेजिया के सिम्टम्स मिलते हैं, है ना। सेम विद जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, स्टिफनेस आता है, इनफ्लेक्सिबल जॉइंट्स आता है, रूमेटिक कंप्लेंट्स, है ना। तो रूटा को जॉइंट स्टिफनेस की वजह से क्या इशू आता है, फिजिकली अगर देखा जाए तो हमारी मूवमेंट रुकती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, वीक होती है या स्टॉप हो जाती है मूवमेंट। वैसे ही रूटा में लाइफ रिलेटेड, उसका फ्यूचर रिलेटेड, उसकी मूवमेंट्स रुकते हैं, हिंडर्ड होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इशू आता है। तो आपने देखा है कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है माइंड और बॉडी का, है ना, ऐसा सारी रेमेडीज में होता है। तो रूटा में हम देखेंगे कि
कि इसकी जर्नी कैसी होती है, क्या इश्यूज होते हैं इसमें, है ना। एग्जांपल, एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ आईज और डूइंग फाइन वर्क, ये फिजिकल एलिमेंट रूटा है। सो क्यू, व्हाट इज फाइन वर्क, और वो इतना फाइन वर्क में इन्वॉल्व होता है रूटा कि उसकी आंखों की मसल्स में भी स्टिफनेस आ जाता है और अकोमोडेशन इशू आता है ना, अकोमोडेशन आईज का इशू आता है। सेम उसके लाइफ में भी ऐसा ही होता है, उसका नेचर पीडेंट होता है। पीडेंट मतलब क्या है, अगर हम डिक्शनरी लैंग्वेज देखें तो पीडेंट मतलब ये होता है जो लोग बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अगर सिंपल वे में कहा जाए तो जो लोग बुकिश नॉलेज में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना कि लॉजिकल, हाँ, और उसी को ज़्यादा अप्लाई करने में लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो स्कूल में टीचर्स होती है, स्ट्रिक्ट ओल्ड टीचर्स, जैसा उन्होंने बताया उसी पैटर्न से या वही वर्ड्स तुम्हें यूज करना है ना। फॉर एग्जांपल, पीडेंट का एग्जांपल हमने थ्री इडियट्स मूवी में हमने देखा है कि व्हाट इज अ मशीन, तो वो मशीन का जो डेफिनेशन देता है लंबा बिल्कुल, ठीक है, और उसी को लॉजिकली आमिर खान शॉर्ट चीज में बोलता, तो वो टीचर को एक्सेप्टेबल नहीं रहता क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल होता है जस्ट लाइक रूटा, और उसको जो फुल डेफिनेशन बोलता है वो उसको पसंद आता, आमिर खान पसंद नहीं, तो वो पीडेंट टीचर हो गया। मतलब जो पूरा बुकिश नॉलेज को ही अप्लाई करवाता है, लॉजिक अप्लाई नहीं करता, है ना। सो इसी को पीडेंट बोलता है। तो रूटा कहीं कहीं ऐसा ही होता है उसके लाइफ में, इसी वजह से उसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस वाले मेंटल इश्यूज होते हैं, इसीलिए उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने कहा कि एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ आईज, तो ओवर स्ट्रेन क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी तरीके से ही पढ़ना चाहता है और अपने तरीके से ही काम करना चाहता है ना, तो उसके वजह से उसकी आईज में स्टिफनेस आ जाता है और अकोमोडेशन इशू आता है। वैसा ही मेंटली भी वो पीडेंट होता है, अपने तरीके से ही काम चाहता है पर आईपीआर उसके तरीके से काम नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बीमार है ना, इसीलिए उसको अपने लाइफ में अकोमोडेशन इशू होता है। जैसे कि आय में अकोमोडेशन इशू होता है, वैसा ही मेंटली भी उसे अकोमोडेशन इशू होता है। कैसे, ये देखेंगे अब आगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मतलब आय सिम्टम्स और फिजिकली आय इश्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि मेंटली उसके अंदर ये नेचर होता है उसका, एब्जॉर्ब्ड फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी डाउट अबाउट सक्सेस के मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट दिस, डिस्करेज फ्यूचर अबाउट, टॉकिंग फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी डार्क इन लाइट डिजायर, ये सारे रूटा के रूब्रिक्स हैं। तो ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं हमें कि रूटा को फ्यूचर की कितनी चिंता होती है ना। वैसा ही इनफ्लेक्सिबिलिटी वाले रूब्रिक्स कौन से हैं, उसका माइंड जो मेंटली एंड इमोशनल इनफ्लेक्सिबल है, पीडेंट, थिंकिंग अवर्जन टू, मतलब उसको लॉजिकल थिंकिंग नहीं करना है, पर्टिनेसिटी, अगेन पर्टिनेसिटी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं कि वो बंदा अपने हिसाब से ही करवाना चाहता है
और करना चाहता है और इसके लिए दूसरों को परेशान करता है, इतना वो ऑब्सिनेट के ऊपर लेवल होता है। अगेन इनफ्लेक्सिबिलिटी का और रूब्रिक्स फर्मनेस, मतलब अपने डिसीजन पे फर्म होता है, यही सही है यही करूँगा। फास्टिडियसनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमें दूसरों का किया हुआ कभी पसंद नहीं आता और हम दूसरों से कभी खुश नहीं होते, इसलिए डिसकंटेंटेड विद अदर्स, डिफायंट, दूसरों का पसंद नहीं आता इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरों का काम पसंद नहीं आता इसलिए हम फास्टिडियस होते हैं, सेंसोरियस होते हैं, सस्पिशियस भी होते हैं कि उसने बरोबर किया होगा कि नहीं काम, या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, डॉक्टर गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक डॉक्टर बोल रहा है ठीक हो जाएंगे आपका तकलीफ पर होगा कि नहीं, ये डाउटफुल, सस्पिशियस, और बोलने में स्पीच शार्प, ठीक है, ये सब इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड से रिलेटेड इसके रूपेंस, ओके। सजेशंस विल नॉट एक्सेप्ट, अगेन दिस इज अ साइन ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एक रूब्रिक है रूटा, है ना, ये एक शेड हमने देखा रूटा का। तो रूटा जो होता है ना वो डिक्टेटोरियल बंदा होता है, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड में भी रूटा, और बहुत एंग्री डिस्पोजिशन होता है रूटा, एंगर ट्रिपल सेल्फ, एंगर बिसाइड वन सेल्फ बी, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, एंगर के काफ़ी रूब्रिक्स हैं रूटा में। सो ये क्यों होता है, क्योंकि उस इम्पेशंस एट वर्क में है, इम्पेशंस के काफ़ी रूब्रिक, एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड है। अब एंगर टुवर्ड हस्बैंड क्यों है, फॉर एग्जांपल अगर वाइफ रूटा है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, मेरे पेस के हिसाब से, और हिंडरेंस नहीं चाहिए, इससे वो इरिटेबल होता है उसके काम में। अगर हस्बैंड ने डीले किया, फॉर एग्जांपल उससे थोड़ा सा लेजी पार्टनर मिल गया या लेजी पर्सन मिल गया तो उससे बहुत दिक्कत होती है ना। हस्बैंड, वाई हस्बैंड, क्योंकि हर काम हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसके उसका अगर पेस कम रहेगा तो रूटा को दिक्कत होती है, इसीलिए एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स में है। इम्पेशेंट, अगेन सेम लाइक विथ इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इस, है ना, तो इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इस में भी यही सेम है कि उसके पेस से अगर बच्चा काम नहीं करे तो ये इम्पेशेंट हो जाता है ना, जल्दी अगर तैयार ना हो, जल्दी होमवर्क ना करे, जल्दी काम ना करे तो वो इम्पेशेंस हो जाती है, उसको गुस्सा आता है और वो जो कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए एंगर भी साइड वन सेल्फ में है और इसी में, और एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स में है और इम्पेशेंट चिल्ड्रन को भी इसमें, ओके। एक बट रूटा यहाँ डिक्टेटोरियल होती है, बट बीमारी के मामले में बहुत और हेल्थ के मामले में बहुत फियरफुल होती है, जस्ट लाइक स्ट्रामोनियम, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंपैरिजन देखेंगे, बट इसमें बता रहा हूँ कि हमें फीलिंग एकोनाइट स्ट्रामोनियम कैल्केरिया जैसी ही आएंगी रूटा में, क्यों, क्योंकि ये भी बहुत फियरफुल रेमेडी है, पैनिक मोड वाली, जिसको कंपनी चाहिए, ठीक है, पैनिक मोड से निकलने के लिए कंपनी चाहिए रूटा को, ठीक है, एंजाइटी डार्क, लाइट डिज़ायर में, लाइट डिज़ायर टू बी इन सनलाइट में, मतलब हमेशा कंपनी ऐसी चाहिए जो उसे बाहर निकालते रहे, सनलाइट रहे उसके पास कंटिन्यू, है ना, ताकि उसके लाइफ में, उसके थॉट प्रोसेस में अंधेरा ना आए, ओके। सो रूटा बहुत ही डरपोक रेमेडी है, कोविड आइस में भी है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, और अगर कोई भी आसपास में अगर उसने कुछ सुन लिया तो वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आता है, और क्योंकि वो बीमार हो जाता है, क्यों बीमार होता है, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली एट मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। इसमें दो दवा है, रूटा एंड कोलोसन, रूटा कोवर्डाइज होने की वजह से बीमार हो जाता है,
उसे कोई भी गलत न्यूज़, किसी के साथ बुरा हुआ, उसका बच्चा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके यहाँ डेथ हो गई, कोविड से कोई मर गया, कोई बहुत बुरी तरह बीमार हो गया, किसी को डेंगू हो गया, घर के बाजू IPR को, आजू बाजू वाले को, रिलेटिव को, या उसने सुन लिया, पढ़ लिया बैड न्यूज़, इससे भी वो बीमार होता है। ये रूब्रिक से कैल्केरियास हमें बहुत कंफ्यूजन होता है प्रिस्क्राइब करने में, क्योंकि कैल्केरियास स्टार्टिंग स्टार्टल एट प्रिक ऑफ नीडल है। सेम लाइक हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली में भी है, बट मिड मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स में रूटा है कैल्केरिया नहीं। ठीक है, तो रूटा इतना डरा हुआ होता है कि वो खून भी देख नहीं सकता, ब्लड कैनॉट लुक एट, फ्राइटेंड इजीली ट्रिफल्स एट, ऐसे रूब्रिक्स में, फ्राइटेंड इजीली एट द साइट ऑफ ब्लड, ऐसे रूब्रिक्स में, ठीक है, डाउटफुल रिकवरी ऑफ, है ना। एक केस बताता हूँ, एक बंदा आया मेरे पास, उसको मैं विरेट्रम लेता था हमेशा, मतलब इतना वो बात करने में हाई स्पिरिटेड और था, ठीक है। तो एक दिन उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो पाइल्स की प्रॉब्लम की वजह से वो पहुंचा, इंजीनियर था वो, जॉब कर रहा, पाइल्स की प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास, सॉरी पाइल्स नहीं, फिशर की प्रॉब्लम की वजह से आया, फिशर्स के वजह से उसको ब्लीडिंग हुआ, पेन हुआ, और उसको बैठना भी नहीं हो रहा था। तो वो आया मेरे पास और मुझे बोला कि सर मुझे बहुत तकलीफ है, क्या हो, लास्ट चार दिन से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, और मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कर रहा हूँ, इसी पे ध्यान दे रहा हूँ कि कब ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा, क्या करूँ, ऑपरेशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, ये सब बहुत से, ऑपरेशन कराऊँगा तो क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा काम ही बैठक का है और मेरा काम दिमाग से है, मैं बैठ नहीं पाऊँगा तो मैं वैसे ही काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, होम्योपैथी लूँ तो ठीक हो जाएगा क्या, या मुझे ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं उसको समझा रहा था कि नहीं ठीक हो जाएगा, मैं बोला कि आपका नेचर चार दिन से कैसा है, तो सर बोले मैं बहुत सैड हूँ ये दर्द के वजह से, उसमें डायरेक्ट रूटा में एक रूब्रिक है सैडनेस पेन फ्रॉम, मतलब और इतना डर है बोले मुझे दर्द का, क्या बताऊँ मैं आपको, रोज़ मोशन जाने से मुझे इतनी तकलीफ होती है, मोशन जाने के थॉट से ही मुझे वो दर्द का डर लगता है, ऐसा डायरेक्ट रूब्रिक बोला उसने, फियर ऑफ पेन, ठीक है, और अगेन क्या है, डाउटफुल रिकवरी ऑफ, ठीक होगा कि नहीं होगा, फियर ऑफ पेन, एंजाइटी, डार्क लाइट डिजायर, और सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक था रूटा, जब रूटा को पेन होता है ना तो सैडनेस में चले जाता है, वो पेन की वजह से, डिस्पेयर पेन में, पेन्स के बहुत सारे रूब्रिक है, सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम पेन, ये लेवल तक पेन जाता है उसका, है ना, और इसके वजह से रेचेड में चले जाता है, रेचेड के लिए, ठीक है, इतना पुअर कंडीशन हो जाता है उसका, वो दर्द के वजह से, जॉइंट पेन्स के वजह से, जो भी पेन आए, लेकिन ये पेशेंट फिशर्स के पेन की वजह से, ठीक है, तो उसको रूटा दिया मैंने और वो एब्सोल्युटली फाइन, ये केस को ऑलरेडी प्रेजेंट भी कर चुका हूँ नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो जिन लोगों ने देखा होगा, तो ऐसा होता है बेटा, जब पेन आता है ना पूरा ऑफ। अब एक रूब्रिक है रूटा के अंदर, डिल्यूजन हिंडर्ड हील्स, हिंडरेंस मतलब क्या, जब हमारे लाइफ में स्पीड ब्रेकर आते हैं, जो हमारे काम के पेस को, स्पीड को, हमारी ग्रोथ को, ग्रोथ की स्पीड को, ग्रोथ तक पहुंचने को, स्पीड को कम कर दें, मतलब जहां हमें एक साल में पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, वहां हम 3 साल लगा रहे,
अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये हिंडरेंस है ना, तो हिंडर्ड फीलिंग रूटा को किसी भी चीज़ से आ सकती है, अपनी बीमारी के वजह से भी आ सकती है, किसी बंदे के वजह से आ सकती है, किसी पर्सन के वजह से, अपने IPR के वजह से, कोई भी चीज़ की वजह से, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों के वजह से उसको हिंडर्ड फीलिंग आ सकती है अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस में, है ना। बीमारी में कैसे आएंगी, डॉक्टर साहब ये पेन के वजह से मैं काम नहीं कर पाता अच्छी तरह से, काम तो कर रहा हूँ पर उस स्पीड से नहीं कर पाता, है ना, ये हिंडरेंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूबरिक है। अगेन एंजाइटी डाउट अबाउट सक्सेस, कि मैं एक लेवल तक पहुंच चुका हूँ बट अब सक्सेस थोड़ा ही दूर है, बट अब होगा कि नहीं होगा ये डाउट है, है ना। तो इसीलिए अगर हम फिजिकल में रूबरिक देखेंगे, एबॉर्शन एट 6 to 7 months, मतलब यहाँ प्रेगनेंसी 6 to 7 months तक पहुँच चुकी है। अगर हम क्या बोलते हैं, हाई रिस्क पीरियड क्या होता है, फर्स्ट 4 months होते हैं हाई रिस्क पीरियड, उसके बाद नहीं होते। बट रूटा के साथ ऐसा नहीं है, रूटा के 6 और 7 months से डाउट होता है कि मैं पहुँचूँगा क्या, है ना, इसलिए उसको एबॉर्शन हो जाते हैं फियर के, है ना। तो एबॉर्शन एट 6 to 7 months रूटा दी जाती है। ओके, तो ये ऐसा अपन फिजिकल से कनेक्ट किए। और सेम अगर सेक्सुअल डिजायर, मेल सेक्सुअल डिजायर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हाई सेक्सुअल डिजायर बट प्री इजैकुलेशन, ठीक है, अगेन सेम, ताकत है करने की, क्षमता है, पर जब करने जाता हूँ इजैकुलेट जल्दी हो जाता है। इसी को अगर हम माइंड से कनेक्ट करेंगे तो सेम फीलिंग आएगा, है ना। तो रूटा ये हो गया डिजीज फॉर्म, बट रूटा अगर हम देखा जाए तो रूटा भी इस, जैसे कि हमने देखा कि एकोनाइट, स्ट्रैम, केलकेरी, ठीक है, इसकी लाइन में आता है। और एक फेज है अच्छा रूटा का, चीयरफुल एक्सक्लूसिव टू। तो उसका एक्सक्लूसिव टू क्या है हम देखेंगे, रूटा एक्सक्लूसिव टू में भी है, जस्ट लाइक स्पॉन्जिया प्लैटिना, है ना। तो रूटा का एक्सक्लूसिव टू क्या है, रूटा जो है ना ओवर एक्टिव पर्सनैलिटी, जेस्टिंग पर्सनैलिटी और हंसी मजाक वाला, जेस्टिंग पंस मेक में, और ईज फीलिंग ऑफ में, जल्दी से कर लेता है काम, इजीली कर लेता है, ओवर एक्टिव में, लाफिंग में है, लोकेसिटी चीयरफुल एक्सुबरेंट में है, जॉय, स्माइलिंग, कम्युनिकेटिव, कॉन्फिडेंट, ऐसा होता है। तो ये लोकेसिटी और चीयरफुल नेचर से ना कई बार हमें लेकेसिस और बेलेडोना क्रिटिकम ये फेज में लगता है ना। तो ऐसा बंदा होता है, ये बहुत ही चीयरफुल बंदा होता है ना, ये इसका एक्सक्लूसिवनेस है। टाइडी, अगेन पीडेंट के साथ अगर हम देखा जाए तो स्माइलिंग। रूटा का एक और फेज ऐसा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन में भी रूटा है ना, यानी डोमिनेंट भी होता है, इसकी वजह से शायद ये पीडेंट बनता है कि इसी तरीके से काम करना है, ये बुक ही पढ़ना है, ये ही पढ़ना है, ऐसा ही काम करना है, इसके ऊपर डोमिनेशन होता है। रूटा का एक बहुत अच्छा बिहेवियर भी है, सिंपथेटिक भी है, ह्यूमिलिटी भी है। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल, बहुत हम्बल लोग होते हैं रूटा। और हार्मोनी डिजायर, जेनरस टू, जेनरस मतलब जो देने वाले, ह्यूमिलिटी एंड जेनरस टू, ऐसा बंदा भी जो सिर्फ देने वाले। एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ मैं, ये शेड मैंने कभी नहीं देखा था रूटा का, बट ये शेड में मेरे पास रूटा पेशेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोग भी रूटा इस शेड से प्रिस्क्राइब करें। तो एक बंदा आया
ऑलमोस्ट 65 एज का था। उसके साथ क्या हुआ, उसके ब्रदर ने उसके घर पे साथ में रहते हुए भी उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी का इशू हुआ और उसने इसकी हक की जितनी प्रॉपर्टी थी उतनी इसको उसके भाई ने नहीं दी, है ना। मतलब वो उसके साथ चीटिंग हुआ, ठीक है। तो इसने उसको बोला तो उसके भाई ने इसके साथ बहुत झगड़ा किया, तो इससे ये बीमार हो गया। पर इसने अपने भाई से वो जगह नहीं मांगी उसके हक की और उसको जाने दी, ठीक है। और उसने बोला ये तू रख, मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे झगड़े नहीं चाहिए, ओके, मुझे इस जगह की कोई जरूरत नहीं है, ये तू ही रख ले, मुझे पर झगड़े नहीं चाहिए। इस शर्त पे उसने अपने हिस्से की जगह प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर, ठीक है। तो मैंने रूब्रिक लिया कंटेंट, ठीक है, क्वारलिंग अवर्जन टू और हार्मोनी डिजायर, ये तीन रूब्रिक्स पे मैंने उसको रूटा दिया और वो बहुत अच्छे से ठीक। उसको प्रॉब्लम था स्लीपलेसनेस का, उसकी नींद उड़ गई थी इस चीज की वजह से, उसको नींद आना बंद हो गया और दवा के बाद डायरेक्ट वो सिर्फ उसको स्लीप का इशू था, फिजिकल कंप्लेंट कोई नहीं थी। तो उसको डायरेक्ट मैंने रूटा 1 mg दिया 3 रात और वो बहुत अच्छे से सोने लगे उसको। तो रूटा का ये एक जेनरस टू सिंपैथेटिक कंटेंट हार्मोनी डिजायर और ह्यूमिलिटी ये वाला शेड है ना, बहुत ही अलग शेड है रूटा का। सो इस पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एक और केस मैं आपको बताना चाहता हूँ रूटा का। एक बंदा मेरे पास अगेन स्लीपलेसनेस के लिए और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड के लिए आया कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर मेरे को चॉइस दी जाए तो मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाता। अगर दो चॉइस आ गई और चार पांच चॉइस आ गई, जैसे कपड़े खरीदना हो, कुछ खाना हो, मेनू देख के मैं पूरा कन्फ्यूज हो जाता और मुझे नींद नहीं आती, ठीक है। तो ये केस ऐसा था कि ये बंदा जो था जस्ट 6 मंथ से कोई काम नहीं कर रहा था, 23-24 एज ऑलमोस्ट। तो मैंने पूछा क्यों भाई, बोले मैंने जस्ट सीए ड्रॉप आउट। बोले ओके अब क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ नहीं। और वो थोड़ा सा हेल्दी था दाढ़ी वाड़ी एकदम अनफ्रेश लग रहा था मेरे पास जब आया। क्या करना चाहते हो, सीए क्यों ड्रॉप किए, तो बोले मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा 12th तक था, ठीक है, बट सीए उसने छोड़ दिया। क्यों, तो मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट है, ओके। तो वो क्यों नहीं कर रहा, लेकिन बोले सर उसमें इतनी अर्निंग फास्ट नहीं है। तो घर वाले बोलते हैं एट दिस एज तुम मतलब करना चाहिए। उनके फादर भी जो थे वो भी बहुत सोशल थे, उनका भी खुद का ऑफिस था अकाउंट्स के, तो बेटे को भी वो वही कराना चाहते बरबर है, बेटे ने भी वही किया, पर वो आउट ऑफ कहीं ना कहीं प्रेशर था दिमाग में। और आजकल के जनरेशन में वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कॉमेडी करना, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी क्या कमाएगा, कब पहुंचेगा, कब सक्सेस मिलेगा, ऐसा। तो वो दोनों थॉट प्रोसेस में फंस गया था कि मैं ये करूं कि वो करूं, दिल ये बोलता है दिमाग ये बोलता है, इस कन्फ्लिक्ट में था। घर वाले बोलते हैं अच्छा उसको घर छोड़ के यहाँ से मुंबई जाना और मुंबई में काम करना, पहले इसका दिक्कत था, फिर बाद में डिसीजन इशू था कि करूँ कि नहीं करूँ,
मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं तो क्या होगा, क्योंकि मैंने अपना अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़ दिया है ना। तो ये इसके कारण वो बहुत ही डिप्रेसिव हो गया था, इररिजोल्यूशन है ना। इररिजोल्यूशन मतलब नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज, मतलब राइट एंड रॉन्ग, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा, एंजाइटी डार, डाउट अबाउट सक्सेस, अगर वो करूँगा मैं स्टैंड अप कॉमेडी तो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा कैसा सेट होगा, अगेन इसमें सब सारी फ्यूचर की एंजाइटी जुड़ गई, एब्जॉर्ब फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, थॉट्स फ्यूचर अबाउट है ना। पेरेंट्स चाहते हैं कि तू यहाँ सेटल हुई है कर, हमारा फैमिली बिजनेस जो अकाउंट्स का है वही तू CA बन के संभाल, पर ये चाहता था यार इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ये करना है ना। इसके वजह से वो 6 महीने तक के कुछ नहीं कर पाया, खाली बैठा, खाली बैठेगा तो फैमिली को दिखेगा कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यंग टैलेंट है बंदा है ना, शादी करनी है आगे, पर ये इस कारण से मेरे पास दवा के बाद वो उसका इररिजोल्यूशन काफ़ी हट गया और उसका लाइफ आगे बढ़ने लगा। उसने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे यही कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी परस्यू करना है, मुंबई जाके वो कोर्स वगैरह करना है, और काफ़ी, और उसका नींद भी नॉर्मल हो गया, एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसके बैड हैबिट्स जो थे 6 महीने जो खाली बैठा था उसके वजह से, लेट उठना लेट सोना, वो भी काफ़ी नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये मेरा थर्ड केस है रूटा का जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो रूटा हमने क्या देखा, एक फियरफुल स्टेज देखा, डर वाला बीमारी से रिलेटेड, एक हमने जॉयफुल लोकेशंस वाला फैसेट देखा, एक हमने हार्मोनी डिजायर फॉर कंटेंट वाला फैसेट देखा है ना, एक फ्यूचर वाला देखा, एंजाइटी डाउट अबाउट सक्सेस वाला। तो ये 4-5 फैसेट्स में रूटा है और काफ़ी सारी मेडिसिन इससे क्लोज आती है। तो इससे जो 4 फियरफुल स्टेज वाली जो क्लोज रेमेडीज है 2-3, कैल्केरिया, स्ट्रामोनियम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका हम पढ़ेंगे। ये तीनों अगर आपको कैल्केरिया लग रहा है, कैल्केरिया कैसे रूल आउट करें, स्ट्रामोनियम कैसे रूल आउट करें और रूटा कैसे रूल आउट करें, तीनों में क्या कंपैरिजन है ये देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स टू HHF। आज मैं HHF की वजह से ही इतना क्लियरली आपको सब चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है, हमारे मास्टर्स की वजह से, और मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपके जो भी डाउट है मुझे मैसेज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ्स को शेयर करिए, है ना। सो Bye bye guys, meet you in the next one. Thank you so much.